नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गुरी सर्वे हाट बाजार बैजता डंगरा मसमासी और बगल के बंदा गांव में मंगलवार की शाम बारिश व गरज के साथ अचानक वज्रपात में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग घायल हुए। मृतकों में एक महिला और एक युवक शामिल है। घायलों में दो की हालत गंभीर रहने पर उन्हें गया रेफर कर दिया गया है। अन्य सभी घायलों का फतेहपुर CHC व निजी क्लिनिकों में चल रहा है। फतेहपुर थाना क्षेत्र में गुरी सर्वे हाट बाजार बैजदा डंगरी मसमासी और बगल के बंदा गांव में मंगलवार की शाम बारिश व गरज के साथ अचानक वज्रपात की घटना हुई है। इस घटना में पारा पंचायत के बैजदा गांव में मथुरा यादव की पत्नी सरोज देवी और चारों खरी पंचायत के डंगरा गांव में कैलू यादव की मौत हो गई। इन घटनाओं में 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें महिला पुरुष व युवती भी शामिल है। खबर सुनकर समाज सेवी BP मंडल व वीरेंद्र यादव के सहयोग से अपनी बुलेरो वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई और कुछ घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचाई। इसी तरह मसमासी गांव में उसी समय वज्रपात हुई, जिसमें राम जीतू मांझी के घर के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बगल के बरदात गांव में भी वज्रपात हुई। वज्रपात की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए सभी को इलाज के लिए CHC फतेहपुर में भर्ती कराया गया। इनमें से शिल्पा कुमारी और धीरज चौधरी को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गया रेफर कर दिया गया है। अन्य सभी घायलों का CHC में ही इलाज चल रहा है। घटना पर DM ने दुख जताया और डॉक्टरों को अच्छी तरह इलाज कराने का निर्देश दिया। DM डॉक्टर त्यागराज SM ने कहा कि फतेहपुर क्षेत्र में मंगलवार की शाम वज्रपात से 2 लोगों की मौत व दर्जन भर लोगों के घायल होने की घटना काफी दुखद है। शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। DM ने सिविल सर्जन गया को सख्त निर्देश दिए हैं कि वज्रपात में घायल सभी व्यक्तियों का निशुल्क पूरी अच्छी तरीके से उपचार करवाएं। वर्तमान में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में भर्ती है और सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने अपर समाहर्ता आपदा एवं अंचलाधिकारी फतेहपुर को निर्देश दिया कि वज्रपात में मृतक के परिजन को 24 घंटे के अंदर आपदा मुआवजा राशि देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार से जुड़ी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24।